कोरोना वायरस की वजह से लॉकडाउन करा गया है दिल्ली समेत 75 जिलों को, 22 राज्यों के 75 जिलों को लॉकडाउन कर दिया गया। और इस वक्त मैं रजौकरी बॉर्डर पे हूँ जो कि नेशनल हाईवे 8 है, गुरुग्राम से दिल्ली को जोड़ने वाला ये मार्ग है। और पूरी तरीके से मैं आपको तस्वीर दिखाऊंगा कि यहाँ पर किस तरीके से जो वाहन की चेकिंग है वो करी जा रही है। जो भी वाहन जो दिल्ली में आ रहे हैं उनके दस्तावेज जो है उनको पूरी तरीके से चेक किया जा रहा है, उसके बाद दिल्ली आने की अनुमति दी जा रही है। जो लोग बेवजह दिल्ली आने की कोशिश कर रहे हैं उनको वापस कर दिया जा रहा है। सिर्फ उन्हीं लोगों को छूट दी जा रही है जो कि सरकारी कर्मचारी हैं या मेडिकल फील्ड में काम करते हैं या मीडिया कर्मचारी हैं, उनको ही दिल्ली अंदर आने की अनुमति दी जा रही है। अन्यथा सभी को यहाँ पर वापस जाने की अनुमति दे दी जा रही है। जो भी वाहन यहाँ पर बेवजह दिल्ली के अंदर आने की कोशिश कर रहे हैं उनको यहाँ से मोड़ दिया जा रहा है। आप देखिए तस्वीरें किस तरीके से जो यहाँ पर दिल्ली ट्रैफिक पुलिस के जवान हैं, साथ ही साथ दिल्ली पुलिस के जवान हैं, वो यहाँ पर तैनात हैं। पूरी तरीके से कोरोना वायरस को जिस तरीके से मात देनी है उसकी वजह से लॉकडाउन है वो कर दिया गया। वो तस्वीरें आपको मैं दिखाऊंगा हमारे सहयोगी जो धर्मेंद्र कुमार उनके माध्यम से कि किस तरीके से यहाँ पर आप देखिए लॉकडाउन किया गया है। उसके बाद आप देखिए जो बॉर्डर है रजौकरी का, यहाँ पर पूरी तरीके से जो वाहन की चेकिंग है वो करी जा रही है। बेवजह किसी को भी अंदर आने की अनुमति नहीं दी जा रही है। जो भी वाहन है उनके दस्तावेज यहाँ पर चेक किए जा रहे हैं, उसके बाद ही उनसे ये भी पूछा जा रहा है कि वो लोग दिल्ली में आखिर क्यों जा रहे हैं। कारण बताने के बाद ही जो काम लगता है, जिन कामों के लिए खुद दिल्ली के मुख्यमंत्री हो उन्होंने छूट दिए, वही जो व्हीकल हैं वो इनको ही दिल्ली अंदर आने की अनुमति दी जा रही है। अन्यथा सभी को यहाँ से वापस कर दिया जा रहा है। तकरीबन यहाँ पर आप देखिए वाहनों की जो कतार है लगातार बढ़ती जा रही है, क्योंकि कुछ लोग गुरुग्राम सुबह के वक्त गए भी थे क्योंकि कुछ लोगों को ये नहीं पता था कि उनका दफ्तर बंद हो गया है, तो कुछ लोगों को पता नहीं था, इस वजह से दफ्तर बंद होने के बाद अब लोग गुरुग्राम से दिल्ली के लिए वापस यहाँ पर लौटते हुए नज़र आ रहे हैं। बकायदा जिस तरीके से जो लोग सुबह गए थे वो लौटते हुए नज़र आ रहे हैं, जिसकी वजह से थोड़ा सा आप देखिए यहाँ पर जो है ट्रैफिक है वो हैवी हो चुका है, क्योंकि सारे व्हीकल जो हैं उनको चेक किया जा रहा है, उनके जो दस्तावेज हैं उनको चेक करने के बाद ही यहाँ से भेजा जा रहा है। तो लगातार जिस तरीके से जो कवायद करी गई थी कि खुद पूरी तरीके से जो दिल्ली वाले हैं वो अपने आप को सेफ करने के लिए अपने घरों के अंदर बंद कर लें, तो जिस तरीके से 22 मार्च की अगर बात किया जाए तो 22 मार्च को पूरी तरीके से देशवासियों ने समर्थन भी किया था जो जनता कर्फ्यू था। लेकिन उसके बाद आज कुछ लोगों को पता नहीं था कि सड़क पर इस तरीके की उपस्थिति भी होगी, क्योंकि यहाँ पर आप देखिए जिस तरीके से जो लोग बेवजह निकले हैं उनको यहाँ पर से वापस किया जा रहा है। आप देखिए यहाँ पर से जो गाड़ियाँ हैं इनको वापस किया जा रहा है, ये लोग गुरुग्राम वापस जा रहे हैं क्योंकि ये लोग दिल्ली आने की कोशिश कर रहे थे लेकिन बेवजह ये लोग यहाँ आ रहे थे, इस वजह से इनको वापस किया जा रहा है। लगातार जो लोग बेवजह यहाँ पर आने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि खुद भी हम अपने दर्शकों से यही गुजारिश करें कि बेवजह आप अपने घरों से ना निकलें, क्योंकि कोरोना वायरस को मात देने के लिए सिर्फ जो उपाय बताए गए हैं वही आपका इलाज कर सकते हैं, जो सरल उपाय हैं, क्योंकि लगातार हर आधे घंटे बाद अपना हाथ धोएं और भीड़ भाड़ वाली जो जगह है वहाँ पर जाने से आप लगातार बचें। और इसी वजह से दिल्ली में तमाम इलाके हों चाहे पूरे देश की अगर बात की जाए उन जगहों को बंद कर दिया गया है जहाँ पर भीड़ भाड़ होती है। शायद जो भी अगर जितने भी सिनेमा हॉल थे उनको पहले बंद किया गया था, कॉलेज बंद किए गए थे, स्कूल बंद किए गए थे, उसके बाद जितने भी प्राइवेट सेक्टर हैं उनको बंद कर दिया गया है। तो लगातार जो है जो सिचुएशन है, लगातार जो आंकड़े हैं, क्योंकि आंकड़े आपको हम बताएंगे कोरोना वायरस के, तकरीबन 400 के करीब जो है वो पहुंच चुके हैं और अभी तक 7 लोगों की मौत हो गई है। तो लगातार सरकार जो है इस पर चिंतित है, इसी वजह से 22 राज्यों के साथ 75 जिलों को बकायदा बंद कर दिया गया है। लॉकडाउन की स्थिति जो थी वो कर दी गई है। संडे को इसका ट्रायल था, जनता कर्फ्यू था, उसके बाद अगर आज की बात की जाए 23 तारीख को सुबह 6 बजे से दिल्ली को पूरी तरीके से बंद कर दिया गया है और केवल वो चीज़ें खुली हैं जो ज़रूरत का सामान लोगों के मिलता है वो उन जगहों को खोला गया है जहाँ से लोग अपनी ज़रूरत की चीज़ें ले सकें, क्योंकि रोज़मर्रा की जो ज़िंदगी के लिए गुजर बसर की जो चीज़ें होती हैं वो लोगों को मिले, वो चीज़ों के लिए केवल दुकानें, मेडिकल स्टोर हैं, दूध की दुकानें हैं, किराना की दुकानें हैं, इनको खोला गया है। साथ ही साथ जो सरकारी कर्मचारी हैं उनको किसी तरीके की दिक्कत ना हो, इन सारी सुविधाओं को अभी तक है जो सरकार के द्वारा हर किसी को मुहैया कराया जा रहा है। लेकिन खुद हर एक नागरिक का ये फर्ज बनता है कि इस विपत्ति की घड़ी में खुद सभी को जो सरकार के दिए हुए निर्देश हैं उसका पालन करना चाहिए। दिल्ली से अपने सहयोगी धर्मेंद्र कुमार के साथ राकेश सोनी।